वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, जिससे कि आप स्पोर्ट्स से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देख सकें। तो साथियों, आज मैं बात करूँगा स्टेरॉइड्स के बारे में। अपने आसपास मस्कुलर बॉडी वाले लोगों को देखकर कई युवाओं के मन में भी वैसा ही शरीर बनाने की चाह उठती है, वैसी ही बॉडी बनाने की इच्छा जगती है। आज के मॉडर्न ज़माने में स्मार्ट दिखना हर यूथ की इच्छा होती है। एक अच्छी बॉडी के पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है, लेकिन अक्सर हम उस कड़ी मेहनत को नज़रअंदाज करते हुए स्टेरॉइड जैसे शॉर्टकट अपना लेते हैं, बिना यह जाने कि इसका इस्तेमाल आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और इससे जान तक जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आजकल युवाओं में एक जनरल बात है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो नई मांसपेशियां बनाने की प्रोसेस को तेज कर देते हैं और साथ ही मसल्स की टूट फूट को रोकते हैं। कई खिलाड़ी इस इच्छा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं कि इसे लेने से उनकी तेज़ दौड़ने की क्षमता, ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता, ऊंची कूद या मसल्स की सहन शक्ति बेहतर होगी। अमेरिका और भारत में बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉइड का इस्तेमाल गैरकानूनी है। खिलाड़ी इसका इस्तेमाल ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, जिन्हें सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की केमिकल बॉन्डिंग से मिलाकर बनाया जाता है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नेचुरल रूप से बनता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड शरीर में जाकर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देते हैं। इससे मांसपेशियों का आकार बढ़ने लगता है और मजबूत होने लगते हैं। इस प्रोसेस से ही आपकी बॉडी बनती है। टेस्टोस्टेरोन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर जबरदस्त रूप से प्रभावशाली होता है। यह शरीर में लीन बॉडी मास को भी बढ़ाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसका फायदा जब तक रहता है तब तक एथलीट इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल बंद होने पर यह उल्टा प्रभाव दिखाता है। एथलीटों के शरीर में असामान्य मात्रा में हार्मोन होने की वजह से उनका शरीर अपने आप को इसके अनुरूप ढाल लेता है, यानी उनका शरीर अपने आप को एस्टेरॉइड्स के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। गाइज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल करने से आपको घातक, यहाँ तक कि स्थायी रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी, यानी हेल्थ से जुड़ी कई समस्याएँ हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको लीवर से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं, कई बार यह आपके गुर्दों को ख़राब भी कर सकता है। गाइज, स्टेरॉइड का सबसे ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स आपके लीवर पर पड़ता ही है। यदि आप इसे मुंह के जरिए लेते हैं तो यह आपके लीवर से होते हुए गुजरता है। इस प्रोसेस के दौरान लीवर को भारी नुकसान होता है। कई बार लीवर ख़राब होने के साथ साथ इसमें ट्यूमर उत्तक हो जाता है। स्टेरॉइड आपके दिल के आकार को बड़ा कर देता है। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर डालता है। इस दौरान आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल में बदलाव भी लाता है। इसकी वजह से यूथ में दिल के दौरे का खतरा तक बढ़ जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बिना किसी ज़रूरत और बिना किसी जानकारी की देखरेख में नहीं करना चाहिए। साथियों, आई होप आपको स्टेरॉइड से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़